हम भी यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं एक बारी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की, बोल तीन बाण धारे की। श्री श्याम बाबा की आप और आपके परिवार पे कृपा बनी रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। जितने मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से, देखिए बाबा का बर्थडे स्पेशल है जो मैं आप सबके लिए कवर करने आया। श्री श्याम भाई, काटू वाले बाबा भाई, भाई को शक्ति दे आगे बढ़ने के लिए भाई। जय श्री श्याम, आपको इस समय काफी सारे भक्तजन मिलेंगे भाई। ये पहले भाई क्राउड चेक करिए, पहले भाई ट्रेन तो पूरी पैक आई हुई है, पूरी पैक है ट्रेन। देखो ये देखो, फिर से चेन पुरली कर दी यहाँ पे, ट्रेन को जाने नहीं दे रहे हैं। कम से कम आधे से आधा घंटा हो गया यहाँ पे, भीड़ देखो आप। ये देखो श्याम प्यारे के लिए जाने नहीं दे रहे, देखो कितनी भीड़ है भाई बीच में चढ़े हुए। भाई जी बाद में आ जाना, कोई नहीं यार, इतना रिस्क मत लो यार। भाई ये हाल हो रहा देख सकते हैं। तेरा सीधो चाल है, तेरा रास्ता जा, हाँ तो चाल आ गए। ये फ्रेंड्स अपनी कड़ी है, ये अपनी कचौड़ी और एक लस्सी ली है। ये सिर्फ क्या बात है, ये देखिए यहाँ पे भाई केक भी लेके जा रहे हैं श्याम बाबा के लिए। जय श्री श्याम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हाजिर फ्रेंड्स आप सभी के लिए और नया व्लॉग लेकर के। फ्रेंड्स आज का व्लॉग बेहद ज्यादा स्पेशल होने वाला आप सभी के लिए। क्यों? क्यों? आज का डेट जो है 22 नवंबर का है और 23 तारीख को जय श्री श्याम बाबा का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैं वीडियो भी कवर कर लूंगा, और श्री श्याम बाबा का जो बर्थडे उस टाइम पे मैं आज तक गया नहीं हूँ, मैंने सोचा कवर भी करूंगा आप सबके लिए। तोरण द्वार पे जो बहुत ज्यादा अच्छा नजारा होता है, बहुत ब्यूटीफुल नजारा होता है, बहुत स्काई शॉट्स वगैरह उड़ते हैं, तो सोचा आप सबके लिए कवर भी कर लेंगे, जर्नी भी कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ दिल्लीगंज रेलवे स्टेशन पे, यहीं से आज का हमारा जो ट्रेन का सफर होने वाला है रिंगस तक का। डायरेक्ट ट्रेन जो अवेलेबल नहीं है अपनी श्री श्याम बाबा मंदिर तक के लिए, जिसके लिए आपको रिंगस तक जाना पड़ेगा, और यहीं से आज की जो ट्रेन जर्नी हमारी होने वाली, जिसका नाम है चेतक एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 20473, जो कि डेली रन करती है दिल्ली से अपना उदयपुर सिटी के लिए। बट हमारी जर्नी जो उदयपुर सिटी की नहीं होने वाली, हमारी रिंगस तक की होने वाली है, और यहाँ से भी ट्रेन की टिकट लेंगे, जनरल टिकट की टिकट लेंगे भी। इस सारे रूट पे जो है कंफर्म टिकट नहीं मिलता, रिजर्वेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी वेटिंग मिलेगी। तो मैं भी अभी चल के पीछे अपना टिकट काउंटर है, वहाँ से जाके टिकट लेते हैं, उसके बाद कवर करेंगे सारा, वहाँ पे जाएंगे तोरण द्वार, देखते हैं कितने बजे पहुँच पाते हैं वहाँ पे, स्काई शॉट कवर भी कर पाएंगे आपके लिए, नहीं कर पाएंगे, सारी वीडियो आप सबके लिए कवर करेंगे, वहाँ पे दर्शन भी करेंगे। देख सकते हैं दिल्लीगंज रेलवे स्टेशन है, और मेरे घर के पास में यही रेलवे स्टेशन है। वैसे अगर आपका जो घर है दिल्ली सराय रोहिल्ला के पास है, तो वहाँ से भी इस वाली ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। दिल्ली सराय रोहिल्ला से इसका टाइमिंग जो है 7:40 का है, दिल्लीगंज आती है अपना 7:55 के आसपास। रेलवे स्टेशन के ठीक जहाँ पे एग्जिट साइड है, यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी, बाइक पार्किंग, अगर आप बाइक से आना चाहो तो बाइक से भी आ सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ी पार्किंग है, अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से फ्री है ये देखिए। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका बता दूँ, अपना तिलक नगर है, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन जैसे ही बाहर आएंगे वहाँ से आपको शेयरिंग रिक्शा मिल जाएंगे, कुछ 20 रुपये लेते हैं वो ई रिक्शा, तो यहीं पर आपको ड्रॉप कर देंगे पास में इस वाली ट्रेन में। ये देखिए ये जनरल टिकट काउंटर की भीड़ है, ये देखिए फ्रेंड जी जनरल टिकट ले ली हमने 100 रुपीज़ की है, 100 रुपये की एक टिकट पर पर्सन। और भी यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेन आती हैं, बट इस टाइम पे मेरे को निकलना था तो ये वाली ट्रेन ही मिल पाई थी, चेतक एक्सप्रेस। अगर आप दिन में जाएंगे तो दिन में भी आपको मिल जाएगी, अजमेर जन शताब्दी है, रुनीचा एक्सप्रेस है, और इसके बाद भी एक सैनिक एक्सप्रेस है रात की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी IRCTC पे देख सकते हैं काफ़ी सारी ट्रेन है, जो भी आपको टाइमिंग सूट करती है उस वाली टाइमिंग से आप जा सकते हैं। इस वाली ट्रेन में चेतक एक्सप्रेस में जो आपका जनरल कोच अवेलेबल है, तो मैं जनरल से जाने वाला हूँ, भीड़ बहुत रहने वाली मेरे को पता है भाई, बट देखते हैं स्लीपर में सफर करेंगे फिर जनरल में, तो अंदर जाके ही पता लगेगा भाई। ये फ्रेंड्स एक तो आपको ये वाला एंट्री गेट मिल जाएगा, और एक दूसरे वाला है ये देख सकते हैं, आज तक अपने प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर जिस टाइप का वेटिंग हॉल मिलेगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। देखिए और इस वाली ट्रेन के क्या है, जनरल कोच, दो जनरल कोच आगे आते हैं, दो जनरल कोच पीछे, मैंने ही पूछा जनरल में तो अभी भीड़ ही आने वाली है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, भीड़ जब बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ट्रेन का टाइमिंग हो रहा है यहाँ पे स्टेशन पे, बढ़िया भीड़ बढ़ती जा रही है भाई, बढ़िया वाली। अभी फ्रेंड्स क्या, अगर हमें जनरल में सीट नहीं मिलेगी तो भाई अपना स्लीपर में चढ़ना पड़ेगा, और स्लीपर जो पीछे साइड पे आता तो पीछे जा रहा हूँ मैं, पता लग रहा भाई जनरल में यहाँ पे मिली नहीं जगह, उसके बाद स्लीपर भी रह जाए, तो स्लीपर में तो भाई कन्फर्म है, उसमें तो चढ़ना ही चढ़ना है भाई। ये देख सकते हैं 20473 S1 S2 S3, यहाँ से अपना जो है स्लीपर कोच स्टार्ट है। और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा की जय लिख देना। ये देखिए बैग आगे रख लिया हमने इस साइड से भाई, और मैं उस साइड पे जाऊंगा, वहां से फिर चढ़ूंगा। ये देखिए अभी काफी लोग उस साइड पे जा रहे हैं, देखो भीड़ दिखा देता हूँ किस साइड पर क्राउड है। देखिए
ये सभी जो अभी स्लीपर कोच की तरह बढ़ रहे हैं। ये देखिए भाई क्राउड देखिए, आप यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, यहीं से कुछ अपना बोर्ड करेंगे ट्रेन को, वो साइड पे करेंगे। सर क्राउड ज़्यादा होता है भाई, ट्रेन से 5 मिनट की देरी से चल रही अपनी ट्रेन, देख सकते हैं 7:55 का टाइम था, अभी 8 बज चुके हैं। वेब 5 अपना लोकोमोटिव है, ये देखिए भाई सराय रोहिल्ला से भर के आ रही है, तो जनरल कोच है ये जनरल कोच की कंडीशन देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा पैक जा रहा है जनरल कोच, ये देखिए जनरल कोच, ये स्लीपर, ये जनरल कोच है भी पीछे से ही भर के आ रही है भाई ये तो। ओ भाई साहब ये देखिए ये सेकंड स्लीपर है, स्लीपर में भी भीड़ है भाई, स्लीपर में भी भीड़ है, स्लीपर पीछे से पूरा पैक आ रहा है, ये देखिए पूरा पैक है स्लीपर, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत खाली है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, पता नहीं अब इसमें चढ़ भी पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे भाई, बहुत भीड़ है, सच में बहुत भीड़ है। ये देखो फिर से चेन पुरली कर दी यहाँ पे, ट्रेन को जाने नहीं दे रहे हैं, कम से कम आधे से आधा घंटा हो गया यहाँ पे, भीड़ देखो आप, ये देखो शाम प्यारे के लिए जाने नहीं दे रहे, देखो कितनी भीड़ है भाई, कितनी भीड़, कोई भी पूरी गाड़ी पैक पड़ी हुई है पूरी। ये देखो भाई कोशिश यार किसी की भाई, कोई गेट खोल दे, गेट बंद करे, मैं सबने कोई खोल ही नहीं रहा। ये देखो हॉर्न दे दिया ट्रेन ने, सिग्नल हो गया, बट फिर भी कोई नहीं खोल रहा। देखो यहाँ पे लेडीज भी खड़ी, देख सकते हैं पूरा गदर मच रखा है यहाँ पे, चेन पुरली करे जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब जाने नहीं दे रहा, आधा घंटा हो गया ट्रेन का, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है जबकि आधे घंटे से ऊपर हो चुका है भाई, बीच में चढ़े हुए भाई जी, बाद में आ जाना कोई नहीं यार, इतना रिस्क मत लो यार। ये देखो भाई कितनी भीड़ है, कितनी भीड़, ये देखो कितने भक्तजन यहाँ पे उस साइड में भी खड़े हुए ट्रैक के उस साइड पे। ये देखो भाई ये जा चुकी ट्रेन भाई, ये जा चुकी है, देखो कैसे कैसे चढ़ के गए हैं भाई ये, बड़े को भाई कितने सारे यहाँ पे श्रद्धालु, अभी कितने सारे हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे हैं जो जा ही नहीं पाए भाई, अनफॉर्चुनेटली हमारा नंबर भी नहीं था सारी ट्रेन से, मैं तो जा ही नहीं पाया, क्या करें भाई यार, रात को ट्रेन है वो 12 बजे की है, उसके बाद पहुँचाएगी सुबह, जो कवर करना था वो तो रह ही जाएगा। ये देखो तो फ्रेंड्स बता रहे हैं कि इसके बाद एक यहीं से दिल्ली के एंड से बन के चलती ट्रेन है, उसका नाम है सैनिक एक्सप्रेस, 12 बजे के आसपास जो सुबह उतारती है रिंगस, अब उससे जाने के लिए देखेंगे, अब वेट करेंगे तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वेट कर लेते अपनी सैनिक एक्सप्रेस का, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, जाना तो है ज़रूरी, देखते अभी क्या होता है, पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, बाकी पास में घर है घर भी जा सकते हैं, लेट्स सी, देखते अभी बाबा का नाम लेते हैं जय श्री श्याम। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग रही थी, उसके चलते हम बाहर आ गए यहाँ पे स्टेशन के, यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद वापस जाएंगे, पता लग रहा है भाई 3 घंटे वेट करना है वहाँ पे, उसके बाद वो जर्नी भी करनी है। ये लो भाई अपना आ गया ब्रेड पकौड़ा विद छोले के साथ, एक इडली भी दे देना, एक इडली, ये अपनी गर्मा गर्म इडली कितने की भैया से, 35 रुपीज की। फ्रेंड्स यहाँ से खा लिया अपना डिनर वगैरह तो हो चुका भाई, ये भी शॉप है बालाजी टी स्नैक्स, यहाँ पे आप आ सकते हैं, आपको भाई चाहिए वो भी मिल जाएगा साउथ इंडियन, और यहाँ पे आपको छोले भटूरे वगैरह मिल जाएंगे, जैसे आप स्टेशन से इस वाली साइड पाएंगे मार्केट वाली साइड पे तो आपको ये शॉप मिल जाएगी। देखिए हालांकि मम्मी कह रही थी भाई खाना खा के चले जा, कढ़ी चावल बनाए थे मम्मी ने बहुत बढ़िया और अच्छे भी लगते हैं मुझे, बट भाई खा ही नहीं पाया मैं, मैंने भाई चलते हैं भाई लेट हो जाएंगे ट्रेन के लिए, ट्रेन कैसा सीन हुआ कि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा, अब क्या ही करें भाई। ट्रेन से वापस अपना स्टेशन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, गाड़ी नंबर 12463 जो कि संपर्क क्रांति बताई भाई अपने ना, काफ़ी पैसेंजर जब मेरे हिसाब से जयपुर होते हुए फिर वो रिंगस की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आने वाली ट्रेन से मंडोर एक्सप्रेस आई है, ये भी जयपुर होते हुए जाएगी, इसमें भी काफ़ी भीड़ चढ़ रही है। ट्रेन से देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी सैनिक एक्सप्रेस आ चुकी है, ये देखिए भाई कितने पैसेंजर हैं इसमें, ओ भाई भीड़ बहुत है। ओ भाई ये लो भाई ये देखो भाई इसमें पूरी पैक है, ये भी बहुत भीड़ है भाई, ये देखिए फ्रेंड क्या गजब का हाल हो रहा है भाई सॉलिड इसमें, अब ये देखो ये बंद करके बैठे हैं भाई, किसी ना किसी में एडजस्ट होना पड़ेगा, नहीं तो ये भी चली गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इसको लगे हुए बता रहे हैं कि 1 घंटे के आसपास हो गया है और मुझे पता ही नहीं था, मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, एकदम से मैंने अनाउंसमेंट सुनी सैनिक एक्सप्रेस तब जाके मुझे पता लगा, और भाई पीछे भाग के जा रहे हैं मारते हुए, ये देखो भाई बंद करके बैठे पड़े हैं, खोल ही नहीं रहे भाई, ये फ्रेंड स्लीपर में चढ़ चुके हैं देख सकते हैं, ये कुछ कंडीशन है अभी,
जनरल में तो जाने से रहे भाई, यहीं पे सोच रहे हैं कि यहीं पे एडजस्ट होके अपना पहुंचने की कोशिश करेंगे रिंगस तक। ना भैया जगह ही ना खड़े जगह ही नहीं है भाई, बता रहे भाई बहुत ही बुरा हाल है। जनरल कोच में बड़ा बुरा हाल था भाई, वहाँ पे तो खोल ही नहीं रहे, बंद करके बैठे हैं। और यही कुछ था अपना चेतक एक्सप्रेस में, उसमें तो जा ही नहीं पाया था, दिखाया मैंने आपको कंडीशन क्या थी। ये लेडीज भी अभी भाई यात्रा कर रहे हैं, देखो अभी जनरल कोच की टिकट लेकर के स्लीपर में, क्योंकि भाई सीट है ही नहीं है, क्राउड इतना ओवर क्राउडेड है, ट्रेन की जो सर्विस है भैया बहुत ज्यादा। चेतक का 2 मिनट का स्टॉप था, आधा घंटा रुकी थी वो भी भाई। ऐसे नहीं पहुंच सकते बाबा के पास आसानी से भाई, थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी आप सबको, तो वही मशक्कत करके पहुंच रहे हैं भाई शाम। मेरा मन था कि तोरण द्वार कवर करें भाई रात में 12 बजे के आसपास, जो स्काई शॉट वगैरह होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाया भाई, सुबह ही पहुंचेंगे बट दर्शन करेंगे। मेन था कि दर्शन करना है बाबा के भाई बर्थडे पे, जो पिछले 2-3 साल से मैं नहीं कर पा रहा था, एज अ ब्लॉगर बता रहा हूँ, मैं तो वैसे पहले भी कभी नहीं गया था, एज अ ब्लॉगर पहली बार ही जा रहा हूँ मैं दर्शन करने बाबा के बर्थडे पे। ये देखो भाई ये हाल है कोच के अंदर, भाई ये हाल हो रहा है आप देख सकते हैं, और इतनी भीड़ है सैनिक एक्सप्रेस में भाई, गजब की भीड़ है क्या बताऊं। अल्टीमेट मैं वॉश बेसिन के ऊपर बैठा हूँ, पैर मेरे फुल दर्द कर रहे हैं, नीचे से बस ये आएगी बस चल जाइए। देखिए भीड़ देखो यार, 12:15 के आसपास जो हमारी ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है रिंगस के लिए, सुबह पहुंचेंगे अपना 6-7 बजे के आसपास भाई। अल्टीमेट भीड़ है नेक्स्ट लेवल की, मैं क्या बताऊँ। जो छठ पूजा पे देखा था ना आनंद विहार नई दिल्ली पे सीन था, वो मेरे को लग रहा है कि बाबा के बर्थडे वाले दिन दिल्ली कैंट पे सीन हो रहा भाई, जबरदस्त। ये देखो भाई मतलब खड़े होने की बैग क्या है बताओ भाई, मैं तो भाई जो टीवी में देख रहा था ना वो सीन हमारे साथ ही हो गया आज। ये पिंड से 4 घंटे की जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई है, पता नहीं कहाँ पहुंचे भाई मुझे नहीं पता। बाकी ये देखो ये कुछ दृश्य है भाई, मैं तो यहाँ बैठ के भाई वॉश बेसिन पे तब से सफर कर रहा हूँ। ठीक है भाई 2-3 घंटे और बचे हुए पहुँचेंगे, 7-7:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे, क्या ही दिखाऊँ आपको यहाँ पे नज़ारा भाई। बट भाई ये जो भीड़ है ना ये नेक्स्ट लेवल है। मंडोर एक्सप्रेस एक बार मैंने जर्नी की थी दिल्ली से जोधपुर, उसके बाद वो तो कुछ भी नहीं थी भाई, ये मेरी फर्स्ट जर्नी होगी जो हिसाब से मैं जर्नी कर रहा हूँ। एक चोर लटक रो अच्छा तेलुगु मैं इनमें अरे थोड़ा सा पीछे हो जाए लटक रहा हूँ छोड़ो। ये देखो भाई 5:40 का टाइम हो रहा है, देखो सब लोग यहाँ पे आराम करते हैं भाई। ये भाई सुबह के 7 बजे ने देखो अभी तक स्टेशन नहीं आया, भीड़ देखो अभी आप। बोलो खाडू वाले बाबा की। देखो भाई 7 बजे ये देखिए इस पे बैठ के हमने जर्नी की थी भाई पूरी 7.5 घंटे की। ये लो भाई देख लो 7:40 के आसपास आया अपना रिंगस रेलवे स्टेशन, देख सकते खाटू श्याम बाबा का। बोलो बोलो श्याम प्यारे की। ओ भाई ये था कुछ भाई सफर हमारा दिल्ली से खाटू श्याम बाबा रिंगस तक का भाई। 330 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट करी 8 घंटे के आसपास। बोलो खाटू वाले बाबा की जय। ये देखो भाई अत भाई अलग ही लेवल था, भीड़ देख सकते हैं भाई अभी तो बहुत ज्यादा भगदड़ है अंदर, अभी तो पूरी ट्रेन खाली होगी यार, ये पूरे स्लीपर में बैठ के आया भाई हम स्लीपर में। ये देखो भाई तो भाई कैसा लगा सफर आपको, अगर आपने ऐसी जर्नी करी हो, अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। ये पहले भाई ट्रेन तो पूरी पैक आई हुई है, पूरी पैक है ट्रेन देखो।
ये देखो यहाँ पे भी आपको जो है जीप मिल जाएगी, पर मैं आगे जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। ये भाई आ चुके अपन बाहर अभी रेलवे स्टेशन से। क्राउड आप देख सकते हैं, आपके सामने क्राउड है भाई, पहली बार देख रहे हैं इतना क्राउड भाई, पहली बार इतनी भीड़ देख रहे हैं। ये देखिए रिंगस जंक्शन है अपना, और यहाँ से भी आगे मूव करेंगे, सामने आपको टैक्सी मिल जाएगी, शेयरिंग टैक्सी जो है। सामने आपको अमूल का काउंटर मिल जाएगा, यहाँ से मैंने अमूल लस्सी ले ली है। प्यास तो मेरे को लग रही थी बट मैंने पानी ही लिया भाई, मैं तो अमूल लस्सी पी रहे थे चाय की जगह। भीड़ देखिए आप भाई, भीड़ भाई। गाड़ी वाले भैया से पूछा, बता रहे 100 रुपए भाई तोरण द्वार तक, इसका 100। तो फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि अभी जो मेन रास्ता है ना तोरण द्वार का, वहाँ से बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ मेन रास्ता, कितना भीड़ है वहाँ पे? बहुत भीड़ है। मैं रात को 1 बजे चला था, 6 बजे पहुँचा, 6 बजे पहुँचे भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। 100 रुपीज ले रहे हैं, 100 रुपए अगर आपको जाना है तो आज के लिए, बात के लिए भी आज के लिए भाई, जो बर्थडे वाला दिन आज भाई, आज पहली बार जाकर के आगे बैठ के जर्नी करेंगे आप सबके लिए। नहीं नहीं भाई आगे बैठूंगा, पीछे तो नहीं बैठूंगा मैं, कुछ भी हो जाए पीछे भाई दबा देते हैं लोग, इनका लेवल अलग ही रहता है भाई, इसलिए मैंने बोला भाई आगे बैठूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को भाई अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं, कह रहे भाई तुम्हारी वीडियो देखी है, तुम जाने बजाने लग रहे हो मेरे को। मैं ला, हाँ भाई मेरी वीडियो होगी, भैया ने वीडियो दिखाई मेरे को। बोलो खाटू वाले बाबा की जय, खाटू नरेश की जय, बलहारे के सारे की जय, शीश के दानी की जय, वो जीत दिलाने वाले की जय। ये निकल चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ से, अपने फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अलग रोड से लेके जा रहे हैं, ये देखिए देख सकते हैं हम कच्चे रास्ते से लेके जा रहे हैं। ये फ्रेंड सामने अपना मर्ज हो जाएंगे अपना मेन रोड पे, देखिए निशान लेके जा रहे हैं सभी, और प्रशासन यहाँ पे काम करता हुआ, ये देखिए ये देखे भाई, जय श्री श्याम भाई, काटू वाले बाबा भाई, भाई को शक्ति दे आगे बढ़ने के लिए भाई, जय श्री श्याम। आपको इस साइड काफी सारे भक्तजन मिलेंगे भाई, ये देखिए। और अब यहाँ पे लग चुका भाई ट्रैफिक जाम, हम लोग यहाँ से निकले उस साइड पे, देखो ट्रैफिक भाई प्रॉब्लम ना हो मेन रोड से ना जा करके। चाल सीधो ज्ञान मंदे बने तेरा, सीधो चाल है तेरा, रस्तो जा। हाँ तो चाल आगा ने, अरे भाई साइड में नौटंकी कर रहे ये फ्रेंड्स। कुछ 45 मिनट के आसपास भैया ने टाइम लिया और यहाँ पे उतार दिया होटल यहाँ पे, यहाँ से आगे मूव करेंगे। सभी टैक्सी वालों ने भाई यहीं पे उतारा, बहुत गंदा ट्रैफिक जाम है यहाँ भाई। सुकून मिल गया, जो थकान थी जो भाई थके हुए थे, आराम से यहाँ पे आकर के ना भाई तोरण द्वार देख लिया, सब थकान दूर हो गई भाई, पता ही लग रहा है कि इतनी लंबी जर्नी करके आए और नींद भी है, सब गायब हो गया। ये देखिए फाइनली यार, जो मैंने प्लान किया था चेतक से नहीं आ पाया, बट मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि मैं दिन में यहाँ पे उतरा और दिन में आप सबके लिए कवर कर पा रहा हूँ। रात में ये माहौल नहीं देखने को मिलता, रात में क्या क्राउड था, रात में इतना क्लियर भी नहीं आता कैमरे से, बट खाटू बाबा या भगवान जो भी करते अच्छा ही करते हैं कि दिन में मैं आप सबके लिए कवर कर पा रहा हूँ ये चीज़ें। ये जो निशान लेके सभी भक्तजन जा रहे हैं श्याम प्यारे के, देख सकते हैं ये जय मेरे खाटू नरेश की जय हो, बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो। मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से यहाँ पे आके मेरे को आपको बड़े विश करना था, और मेरे सारे व्यूवर्स को अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। ये देखिए वाह भाई वाह, फाइनली हैप्पी बर्थडे टू श्याम बाबा। ये देखिए फाइनली मैं तोरण द्वार पे हूँ इस टाइम पे हल्की, ये देखिए सभी भक्तजन आगे बढ़ते हुए अपने तोरण द्वार से, जय मेरे, हम भी यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं एक बारी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय मेरे काटू नरेश की जय हो, जय। फाइनली भाई मेरे को नहीं लगा था कि मैं आ भी पाऊंगा ट्रेन की कंडीशन के हिसाब से, बस फाइनली मैं यहाँ पे हूँ तोरण द्वार पे आप सबके लिए, जल्दी पहुंचेंगे आगे।
आप सभी को दर्शन भी कराएंगे श्री श्याम बाबा के। ओए होए क्या गजब यार, आई एम सो लकी कि मैं आपको दर्शन करा पा रहे यहाँ पे तोरण द्वार के पास। आगे भी दर्शन कराएंगे आपको, मतलब खाटू वाले बाबा की जय। कमेंट सेक्शन में फ्रेंड जय श्री श्याम लिख देना। ये देखिए आप सबके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशली, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन बर्थडे। और फ्रेंड ज्यादा देर ना करते हैं अपना दर्शन के लिए मूव करते आगे, अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा। टाइम से दर्शन करते हैं, रूट अभी थोड़ा सा डाइवर्ट किया हुआ है दर्शन करने के लिए, ऐसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। बाबा श्याम की नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे आप अनाउंसमेंट देख रहे हैं अपने पर्स का, फोन का, कीमती सामान का बहुत ध्यान रखें वाइल यात्रा जैसे आप आगे बढ़ेंगे। खड़े होके कुछ आप सबके लिए क्लिप कैप्चर कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको दिखा सकूँ क्या क्राउड है, किस टाइप का यहाँ पे माहौल है अभी इस टाइम पे श्याम बाबा के बर्थडे पे। ये देखिए सही भक्त जन अपने निशान तो आपको देखने को मिलेगा यार, यही तो पहचान है श्याम बाबा की। देखिए इस टाइम यहाँ पे श्याम बाबा के मंदिर पे एकादशी का दिन होता है, जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है उस दिन पे। क्राउड वाले दिन जो अपने साथ जो बच्चे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनका बहुत ध्यान रखें, अपने साथ लेके चलें, हाथ पकड़ के चलें, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसप्लेस होने का बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे मिसिंग का, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे। और निशान का जो है आपको बता दूं, निशान आपकी मर्जी है, वैसे तो कायदे से देखा जाए तो आप रिंगस के मोड़ से निशान लेते हैं, बट आपकी मर्जी, आप तोरण द्वार से भी ले सकते हैं निशान। और यहाँ पे दर्शन के लिए जो है मंदिर के लिए बहुत लॉन्ग रूट अपना रखा है, बड़ा लंबा रास्ता है जहाँ से भी हम चल के जा रहे हैं, जो मेन रास्ता था वहाँ से वो बंद किया हुआ है तो डाइवर्ट किया हुआ है, काफी घूम के जाना पड़ रहा है यार काफी ज्यादा, और धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है यहाँ पे। और ये फ्रेंड्स भैया ने मेरे को बताया जो परिक्रमा है काफी लंबी है, कितने किलोमीटर की है, 4 किलोमीटर के बता रहे हैं, काफी लंबा रूट हम लेके जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, के लिए इतनी आसानी से नहीं होने वाली, थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी सही भक्तजन को। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की, बोल तीन बाण धारे की, बोल हारे के सहारे की, हमारे प्यारे की, हमारे प्यारे की, हम सबके प्यारे की, श्याम प्यारे की, जय। ये देखिए यहाँ पे भाई केक भी लेके जा रहे हैं श्याम बाबा के लिए, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नजारा है भाई, क्या नजारा है, गूज़बम दे रहा है मेरे को तो यार, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, अलग ही लेवल हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, एनर्जी फील हो रही है मेरे को भाई यहाँ पे देख करके, ये सलाद देख करके यार, श्याम प्यारे श्याम भक्तों का देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट एड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है हेल्थ इशू तो यहाँ पे भी आप अपने आप को दिखा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। बाकी पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, पानी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या गर्मी लग रही थी भाई, जैकेट तो अपने उतार दी। अब बात करें टाइम का भी 10:40 का टाइम हो रहा है, बाकी अपडेट करेंगे दर्शन कितने बजे होते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं आप। भाई लाइन बड़ी एकदम से भागते हुए धक्का मुक्की, फ्रेंड्स ये वाला मैंने प्रसाद ले लिया 100 रुपीज का, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिक्कत हो रही शूज की, अब शूज का क्या, मैं शूज खोल के पन्नी में रख के अपने बैग में रख लूंगा, अपने बैग में रख लूंगा शूज, के बाद दर्शन करने सीधा निकल लूंगा, ऐसे कुछ करेंगे आप, देखिए कुछ रखने का ऑप्शन मिलेगा तो वो भी करेंगे। देख सकते हैं भैया ने मेरे को 5 किलो की पन्नी दे दी है, इसी 5 किलो की पन्नी में अपने जूते रख लूंगा मैं, साथ में लेके चलूंगा जूते भी। और एक अपन ने फूल भी ले लिया ब्यूटीफुल सा भाई, 20 रुपीज का दिया है। फ्रेंड्स ये शूज मैंने अपने पैक कर लिया, अपने बैग में रख दूंगा और फिर दर्शन करने अंदर से निकल जाऊंगा, वहां से जब निकलूंगा सीधे तोरण द्वार निकल जाऊंगा, वापस यहाँ पे आने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, पूरी परिक्रमा जो दिखाई है वहां से घूम करके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये चक्कर पड़ जाएगा बहुत लंबा, तो बैग में रख के सीधे निकल जाऊंगा मैं। देखिए निशान अंदर नहीं जाएगा, निशान सभी यहीं पे जमा होंगे,
और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आप किसी भी लाइन में लग सकते हैं। मैं इस वाली लाइन में लग जाता हूँ। ये देखिए जूते कितने सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से आपको कुछ अच्छे से क्लियर नजर आएगा। 10:40 में वहाँ पे लगे थे और 11:30 के आसपास यहाँ पे अपना एंट्री हो चुकी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी देव उठान एकादशी है। देखिए प्रसाद और फूल आपको यहीं पे चढ़ाने पड़ेंगे, अंदर नहीं जाएगा मंदिर में, तो कृपया करके यहीं पे चढ़ा दें। ऐसे काफी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इतना ब्यूटीफुल सजाया हुआ भाई मंदिर देखिए, क्या फ्लावर्स है। आई विश आपको भी आने का मौका जरूर मिले श्याम बाबा के दरबार में, और आप सभी की तरफ से श्याम बाबा को हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए कितना प्यारा सजाया हुआ, देखो पिंक फ्लावर से, गजब यार। जय श्री श्याम बाबा की आप और आपके परिवार पे कृपा बनी रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। जितने मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से, देखिए बाबा का बर्थडे स्पेशल है जो मैं आप सबके लिए कवर करने आया हूं। यहाँ पे फाइनली पहुंच चुके आप सबके लिए कवर करने के लिए। जितने भी आपके काम बने नहीं है, जो रुके हुए हैं, जो बिगड़े हुए काम है, सब बनाए श्री श्याम बाबा आप सबके। आपको कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी जो भी है सब दूर करे श्याम बाबा, आप सबको जरूर बुलाए। जय श्री श्याम। बाबा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा। ये देखिए दर्शन कर लीजिए, कोशिश कर, जय श्री श्याम। बहुत अच्छे दर्शन हुए, दर्शन हो चुके हैं, अब मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। फाइनली यार कल रात से निकला हुआ मैं, अब जाके दर्शन हुए भाई, बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्रसाद मैंने चढ़ा दिया। जय श्री श्याम आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे कुछ दान पेटी में भी कुछ दान डाला है, वो मैं रिवील नहीं करूँगा, वो मैं हमेशा करता हूँ आप सबकी तरफ से, क्योंकि आप लोग आ नहीं पाते। आप में से काफी लोग मुझे बोलते हैं भाई बस आगे नहीं गया, तो आप सबकी तरफ से मैंने डाल दिया है। जय श्री श्याम। ये देखिए फ्लावर की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है भाई, बढ़िया। जय श्री श्याम भाई, बहुत प्यारे दर्शन हुए भाई, फाइनली सुकून के पल देख सकते हैं यार फ्रेंड्स, फाइनली सभी भक्तजन बाहर आते हुए। यही तो मूवमेंट होता है जब दर्शन अच्छे होते हैं, सब चीज अच्छी होती है। चलो चलो बाबा की कृपा, ऐसे बाबा हमें अपने धाम में बुलाते रहे, मंदिर में बुलाते रहे, आप सबका ही बुलावा जल्दी आए। फाइनली यहाँ से देखो बाहर निकलने का रास्ता, और यहाँ पे जूतों का बहुत चक्कर था भाई, मैं तो अपने साथ ही ले आया था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखिए सभी लोग बाहर निकलते हुए, तो भीड़ देखिए भाई, भीड़ देखिए बस। भाई यहाँ की जो है कचौरी बड़ी फेमस है, कचौरी और कड़ी वो खाएंगे भाई। ये फ्रेंड्स होटल श्याम है, आज यहीं पे कुछ ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम मैंने उसमें ट्राई किया था एमबी स्वीट करके कुछ है, आज यहाँ पे देख लेते हैं भाई कुछ ट्राई करके, आपको रिव्यू देते हैं भाई। कुछ हल्का फुल्के खाना ज़्यादा तो नहीं खाएंगे फिलहाल। ये देखिए कुछ यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, बैठ के खा पी सकते हैं, और यहाँ से कुछ आप ऑर्डर करेंगे साइड पे, ये सब आइटम आपको मिल जाएगा, साउथ इंडियन वगैरह चाइनीज वगैरह तो लगा हुआ है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मेन्यू, यहाँ पे मेन कोर्स, ये सब प्राइस लगे हुए हैं। इसके लिए हमने दाल कचौरी और एक लस्सी फिलहाल के लिए अपना दो ही आइटम मैंने लिए हैं, यहाँ से मिल जाएगा। बाकी और कुछ खाना हो तो बाकी और भी ट्राई कर लेंगे यहाँ पे भाई। लेने को आप समोसे भी ले सकते हैं, ये कचौरी अपनी, ब्रेड पकौड़े भी ले सकते हैं, और ये देखिए ये फ्रेंड्स अपनी कड़ी है, ये अपनी कचौड़ी, और एक लस्सी ली है, ये 75 रुपीज़ का है। कुछ अब ट्राई करते उसके बाद आपको बता दें रिव्यू क्या। भाई जो कचौड़ी थी भाई अल्टीमेट, भाई लस्सी अल्टीमेट, मेरे हिसाब से भाई रिकमेंडेशन है फुल ऑन भाई, गजब का टेस्ट भाई, और प्राइस भी रीजनेबल है। यहाँ पे आए तो जो भी आपको पसंद आता है, चाइनीज है, साउथ इंडियन है, या फिर राजस्थानी थाली कुछ भी है भाई, ट्राई जरूर करना, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है भाई, गजब का है भाई। फ्रेंड्स यहाँ से मैं ये लेके जाता हूँ हमेशा हर बार, और मेरे को बहुत सही लगता है भाई, ये घर में ना मैंने मंदिर में भी लगाया हुआ है। भैया कितने का है? 50। ये भैया एक मेरे को निकाल के दे देना प्लीज। कौन सा? एक दे दो कोई भी बढ़िया अपने। अब मैं जा रहा हूँ तोरण द्वार, तोरण द्वार पे आप सभी से अलविदा करूंगा,
और वहीं पे जाके ब्लॉग को एंड करूंगा। फाइनली फ्रेंड्स, तोरण द्वार पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे दर्शन आप सभी ने, मैंने, हम सब ने कर लिए और बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट हम सब ने कर लिया। देखिए तोरण द्वार मेरे पीछे है, यहीं पे मेरा मन था कि मैं ब्लॉग को एंड करूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, जैसे मैंने आपको बाबा के दर्शन कराए पूरी वीडियो में और बाबा का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होता है मैं भी फर्स्ट टाइम कवर करा है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए, जो भी नहीं आ पाए उनको भी बाबा के दर्शन हो पाए और बाबा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है वो भी देख पाए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक का बटन दबा देना। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्याम बाबा की कृपा आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर हमेशा बनी रहे। 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, यहाँ से अब मैं मूव करूंगा अपने घर की तरफ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।